जो गर्भवती महिलाओं के लिए जो गर्भ धारण करने के लिए जो टेस्ट होता है किट से, वो टेस्ट होता है। दूसरा जो महिला आती है तो उसका उसके ब्लड में यूरिन। जनसेवा शिविर में योजनाओं की जानकारी नहीं दे पाए अधिकारी तो मंत्री ने लगाई क्लास। जनपद पंचायत किरनापुर के ग्राम नक्सी में आयोजित खंड स्तरीय जनसेवा शिविर में आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने शासकीय सेवकों की अच्छी तरह से क्लास ली, साथ ही हितग्राहियों से सीधा संवाद किया एवं ग्राम पंचायत नक्सी में विकास कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने जनसेवा शिविर में चलाई गई योजनाओं के संबंध में जब पूछना चालू किया तो ग्राम के रोजगार सहायक सचिव या पीसीओ सही जवाब नहीं दे पाए। मंत्री श्री कावरे ने जब मंच से पूछा कि शिविर में भारत सरकार या प्रदेश सरकार की कितनी पेंशन योजनाओं को शामिल किया गया है, तो पंचायत सचिव जनपद पंचायत की कार्यपालन अधिकारी के द्वारा गलत जवाब दिया गया। तब मंत्री जी ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि जब आप लोगों को सही जानकारी नहीं है तो हितग्राही को क्या लाभ देंगे। श्री मंत्री कावरे ने मंच से ही इन लोगों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री कावरे ने राजस्व विभाग के पटवारी, महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य विभाग की एएनएम, सीएचओ से बारी बारी से उनकी विभागीय योजनाओं के संबंध में पूछा, लेकिन वे सही जवाब नहीं दे पाए। हितग्राही मूलक योजनाओं की सही जानकारी न होने पर मंत्री श्री कावरे ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि उच्च अधिकारियों से बात कर सख्त कार्रवाई करने कहेंगे। इस दौरान राणा कल्याण सिंह अध्यक्ष जनपद पंचायत किरनापुर, भुवन भाऊ राहंगडाले उपाध्यक्ष जनपद पंचायत किरनापुर, सुश्री निकिता मंडलोई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरनापुर, श्रुति चौधरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत किरनापुर, शोभना ठाकुर तहसीलदार किरनापुर सहित समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी एवं भारी संख्या में ग्रामीणजनों की उपस्थिति रही। किरनापुर से इंद्रजीत दशमेर। जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के बीच में जनता की समस्या का समाधान करना हमारा दायित्व है, पर एक अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा एक संदेश दिया, मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान, और इस मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में हमारी छोटी छोटी योजनाएं जो हमारे गांव में संचालित होती है, लेकिन कई बार किन्हीं कारणों के कारण उस योजना का लाभ उस पात्र हितग्राही को नहीं मिल पाता था। हमने जब ये अभियान चला, इस अभियान के माध्यम से हम उस हितग्राही तक पहुंचने की कोशिश भी किया और उसको लाभ दिलाने का काम किया। आज मैं जब जनपद पंचायत किरनापुर के इस खंड शिविर में उसकी समीक्षा करने के लिए जब बैठा मैं, तो मैंने देखा कि 20,000 आवेदन आए थे, उसमें लगभग 18,000 आवेदन स्वीकृत हुए। मतलब इस अभियान में, एक महीने के अभियान में हमने 18,000 लोगों को उसका लाभ दिला दिया। एक बड़ा हमने काम किया, हमारे जनता के बीच में हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी और हमारे जनप्रतिनिधियों ने काम किया। क्योंकि ये अभियान हमारा 31 तारीख तक के था, योजना हमारी बंद नहीं हुई है, योजना आज भी वो सारे के सारे प्रारंभ है। तो अब हम उस अभियान को लेकर उस योजना को लोगों तक के जाएंगे, कोई जो छूट गए होंगे उस योजना के माध्यम से उस व्यक्ति को हम लाभ दिलाने का काम अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। बहुत सी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिला है क्योंकि उनको जानकारी नहीं। सर, इसके लिए भी क्या अधिक प्रचार प्रसार की जरूरत है? क्या मानते हैं? यही तो प्रचार प्रसार है, यही तो जो शिविर मैंने लगाया हूँ, यही तो प्रचार प्रसार है। जो छूट गए होंगे उस समय या किसी को नहीं पता रहा होगा, तो आज मैं खुद आया हूँ और मैं अपने सरपंचों से, अपने जनपद सदस्यों से, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करता हूँ कि वो नीचे तक के जाएं, योजना का अध्ययन करें, उसके बारे में समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिलाएं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो योजना बनाते हैं वो किसी व्यक्ति के लिए, किसी धर्म या जाति के लिए नहीं बनाते, वो उस व्यक्ति के लिए बनाते हैं जो गरीब है, उसके लिए जो पात्रता रखते हैं उसके लिए बनाते हैं, और उसको लाभ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। जी, थैंक यू सर। आगे